ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर ईश्वर की परम असीम अनुकंपा बनी रहे। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास अति पवित्र माना जाता है। इस मास में दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। दीपदान करना, स्नान करना, दान करना। और चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पैसों की तंगी से अगर आप भी चाहते हैं निजात पाना तो ये करें खास उपाय। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो आ रही है, आप गंगा, यमुना या आपके पास कोई भी नदी है तो आप उसमें दीपदान जरूर करें। सूर्य को इस दिन जरूर अर्घ दें। साथ ही साथ में आप अपने घर में रखा गंगा जल पानी में आप मिलाकर जरूर स्नान करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास पर घर के मुख्य द्वार पर आम का या अशोक का तोरण पत्ते लगाएं। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोनों ओर मुख्य द्वार पर दरवाजे पर दीपक जलाएं, रंगोली बना लें। इससे महालक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में दीपदान करना भी सुख समृद्धि पाने का एक स्वरूप माना जाता है। आप किसी नदी तालाब में भी दीपदान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को भोग भी लगाएं, महालक्ष्मी की पूजा करें। रात को चंद्रमा उदित होने के बाद खीर बनाकर भोग लगाएं। संभव हो तो खीर में मिश्री और गंगा जल मिला दें। इससे माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होंगी। पीपल के पेड़ पर इस दिन दूध चढ़ाना ये आपको पैसों की तंगी से दूर करने का बहुत ही सरल उपाय है। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव के मंदिर में दिया जलाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, मीठा, बेलपत्र, शमी पत्र और बिना टूटा हुआ चावल आप चढ़ाएं और भगवान शंकर की परिक्रमा करें। केले उन्हें प्रसाद में जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद चंदन लगाएं। इससे महादेव जरूर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की आर्थिक तंगी भी जल्द ही दूर होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी का।